मैं अंजना, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजनाज किचन। आज हम बनाएंगे पोहे का क्रिस्पी नाश्ता, जो बच्चों एंड बड़ों दोनों को पसंद आएगा। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। पोहे का टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी पोहा, 2 गिलास पानी डालकर हम इसे 5 से 7 मिनट कर ढककर रख देंगे। दो कटी हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस, धनिया पत्ते, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या 1/2 चम्मच चाट मसाला, मैगी मसाला ऑप्शनल है, 1 कटा प्याज, 4 चम्मच बेसन, 3 उबले आलू, 3 उबले आलू। अब हम इसे अच्छे से ड्रेन कर लेंगे। ध्यान रहे पोहे में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए पोहा कितना फूल गया है। इसका पूरा पानी हम निकाल देंगे। अब हमें इसे फिर 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। देखिए पोहा और फूल गया है। अब हम इसे बाउल में डालकर अच्छे से मैश करेंगे। देखिए कितना अच्छे से ये मैश हो रहा है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। धनिया लीव्स, धनिया इसके टेस्ट को बहुत बढ़ाता है। प्याज, ध्यान रहे इसमें हमें पानी मिक्स नहीं करना है क्योंकि प्याज में भी पानी होता है। बेसन, बेसन आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए, इसे स्किप मत कीजिए क्योंकि ये नहीं तो ये उसमें तेल में डालने पे खुल सकता है, बेसन नहीं डालोगे तो। जीरा, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, नींबू का रस, नमक,
देखिए अब हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बढ़िया सा डो लगाकर तैयार करेंगे। देखिए अब हमारा डो बनकर तैयार है। अब हम इसे किसी भी शेप में बना लेंगे, चाहे आप टिक्की की शेप में बनाएं, चाहे हार्ट शेप में बनाएं, चाहे बॉल्स में बनाएं, चाहे स्टिक की में बनाएं। अगर आप बच्चों के लिए इसे बना रहे हैं तो स्टिक की शेप में बनाएं। ये देखिए अब मैंने इसे हार्ट की शेप में बनाया है। देखिए अब ये स्टिक की शेप में बना रहे हैं क्योंकि बच्चों को स्टिक की शेप वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। देखिए अब हमारा ये रेडी है फ्राई के लिए। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें तलना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम इसे बीच बीच में से पलटते रहेंगे। देखिए अब इनका कलर चेंज होता जा रहा है। देखिए अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। देखिए अब हमारा पोहे का क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार है। अब इसे लाल चटनी के साथ खा के देखिए। देखिए कितना क्रिस्पी है। आप भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।